Now look at the structure of human egg. Egg is nearly 1.2 mm in size. So egg is larger as compared to sperm. So non-cleodic egg is found. Cleodic egg का मतलब होता है जिसके चारों तरफ shell हो, but यहाँ पे कोई shell नहीं present होता। तो सबसे पहली बात जो है, this is the egg। तो एक side होती है जहाँ से egg की sperm की entry होती है, that is animal pool। और उसके अपोजिट जो एरिया है दैट इज कॉल्ड वेजिटल पोल। सो एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल आर द टू एरियाज। जो साइटोप्लाज्म है उसमें जर्मिनल वेसिकल्स एंड कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट। So this is germinal vesicle, and these are cortical granules. Germinal vesicle and cortical granules are present. Cortical granules की formation होगी Golgi complex से। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। नाउ द साइटोप्लाज्म ऑफ एग सेल एज वी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कंटेन्स जर्मिनल वेसिकल एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। उसके बाद की जो लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विटलिन मेम्ब्रेन भी कहेंगे हम। देन नॉन सेलुलर लेयर जोना पैलिसुडा, एंड कोरोना रेडिएटर। ये दिस इज द स्ट्रक्चर। दिस इज कोरोना रेडिएटर जिसमें जो फॉलिकल सेल से बनता है। कोरोना रेडिएटर किससे बना? फ्रॉम फॉलिकल सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स। कोरोना रेडिएटर के बाद मैंने बताया आपको एक नॉन सेलुलर लेयर है, वो भी फॉलिकल सेल से ही बनती है। दैट नॉन सेलुलर सेल इज कॉल्ड लेयर इज कॉल्ड जोना पैलिसुडा। नॉन सेलुलर लेयर है, इट इज आल्सो सिक्रेटेड बाय आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिकल सेल्स। और ये जो लेयर है दैट इज कॉल्ड विटिलिन मेम्ब्रेन। विटिलिन मेम्ब्रेन सेक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ। सेल ही बना रही है इस मेम्ब्रेन को, विटिलिन मेम्ब्रेन को। सो सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, देन जोला पैलिसुडा, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको विटिलिन मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, एंड उसका साइटोप्लाज्म। कोरोना रेडिएटा इज सेकेंडरी मेम्ब्रेन। कोरोना रेडिएटा इज सेकेंडरी मेम्ब्रेन। और जो विटिलिन मेम्ब्रेन है क्योंकि वो खुद एग सेल बना रही है सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी मेम्ब्रेन। विटिलिन मेम्ब्रेन प्राइमरी मेम्ब्रेन है और कोरोना रेडिएटा इज
सेकेंडरी मेम्ब्रेन। नाउ जो साइटोप्लाज्म है उसको भी दो एरियाज में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, एग्कोर्टेक्स जो बाहर का रीजन है दैट इज कॉल्ड एग्कोर्टेक्स, जो कम डेंस है, और जो अंदर का पार्ट है जो हाईली डेंस है दैट इज कॉल्ड उपलास। आपके लिए बनाता हूं। सो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ एग सेल दो पार्ट में डिवाइड है, द आउटर रीजन जिसको एक्सोप्लाज्म कहा जाता है, एक्सोप्लाज्म और एग कोर्टेक्स लेस डेंस है। एंड द इनर वर्ड इज कॉल्ड ऊप्लाज्म। सो ऊप्लाज्म इज फाउंड बाय, ऊप्लाज्म में तीन चीजें हैं। सबसे पहला है इसमें न्यूक्लियस, एग सेल न्यूक्लियस, देन इट कंटेन्स योक एंड कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है यहां पे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग सेल और ह्यूमन एग। अब मैंने आपको बताया कि एक तो प्राइमरी मेम्ब्रेन हो गई जो कि कौन सी, हमारी विटिलिन मेम्ब्रेन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन इज जो ना पहले सोडा, एंड ए कोरोना रेडिएटर। जो जोना पहले छोटा है मैमल्स में और कोरोना रेडिएटर कोरियोन से डेवलप होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग सेल या एग मेम्ब्रेन? एग मेम्ब्रेन काम क्या करती है? उसके अलावा कोई भी मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे टर्शियरी मेम्ब्रेन, ठीक है? उसके अलावा जो भी मेम्ब्रेन है दे आर कॉल्ड टर्शियरी मेम्ब्रेन्स। फंक्शंस क्या करती है एग मेम्ब्रेन? किसी भी मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, चेक पॉलीएम्ब्रियोनी, और अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस में जो एग है उसको बॉयंट फोर्स प्रोवाइड करता है, बॉयंसी प्रोवाइड करता है। ह्यूमन एग में नहीं होता, बट जो एम्फीबियन एग है उसमें बॉयंसी प्रोवाइड करने का काम करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एग सेल। नाउ हमने एग सेल की स्ट्रक्चर डिस्कस कर दी, हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। नाउ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये सबको पता है आपको, लेकिन यहां पे तीन वर्ड मैं लिख रहा हूं, सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी एंड एम्फी मिक्सिस। सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी एंड एम्फी मिक्सिस। सिनगैमी कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो परमानेंटली फ्यूज हो जाएं, परमानेंट फ्यूजन है, परमानेंट फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, दैट इज नोन एज सिनगैमी। प्लाज्मो की फ्यूजन ऑफ गैमेट साइटोप्लाज्म,
एंड एम्फी मिक्स इज जब क्रोमोसोम भी मिक्स हो जाए, इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। सो सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी एंड एम्फी मिक्सिस। नाउ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर्स वन आफ्टर द अनदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। सो जो स्टेप्स हैं फर्टिलाइजेशन के, नाउ द फर्स्ट स्टेप इन फर्टिलाइजेशन इज अप्रोच ऑफ स्पर्म, स्पर्म अप्रोच। कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इजेकुलेशन हुआ, नियरली 3 ml सीमन प्रोड्यूस हुआ विच कंटेन 200 to 300 million स्पर्म्स। अब ये स्पर्म्स इजेकुलेशन के बाद कहां रिलीज हो गए? इनटू वजाइना। दिस स्पर्म्स आर रिलीज इनटू द वजाइना आफ्टर इजेकुलेशन। अब वजाइना में इनका जो मूवमेंट होगा स्पर्म्स का, इन वजाइना स्पर्म मूवमेंट अकर्स बाय 3 तरह से होगा, या 3 फैक्टर्स की हेल्प से होगा स्पर्म मूवमेंट इन वजाइना। फर्स्ट जो टेल है उसका लैशिंग मोमेंट, लैशिंग मोमेंट ऑफ टेल। विप लाइक मोमेंट, लैशिंग मोमेंट होगा। सेकेंडली अगर आपको याद हो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल जब हमने पढ़ा था तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वो यूट्रस में मूवमेंट करेंगे। एंड थर्डली और थर्ड पॉइंट, जो सक्शन मूवमेंट होता है यूट्रस का, सक्शन मूवमेंट ऑफ यूट्रस, सक्शन मूवमेंट को एस्पिरेटरी मूवमेंट भी कहते हैं। सक्शन मूवमेंट को एस्पिरेटरी मूवमेंट भी कहा जाता है। तो टेल रीजन, प्रोस्टाग्लैंडिन और जो यूट्रस का सक्शन मूवमेंट है उसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं दे मूव इन वजाइना। बट ये मूवमेंट इतना इजी नहीं होता, देर आर सर्टेन बैरियर्स फाउंड, बैरियर्स होते हैं स्पर्म के मूवमेंट में। तो सबसे पहला जो मूवमेंट सॉरी जो बैरियर होगा, जो फिजिकल बैरियर का काम करेगा, दैट इज थिक एंडोमेट्रियल वॉल। फिजिकल बैरियर है थिक एंडोमेट्रियल वॉल। क्योंकि एंडोमेट्रियम की वॉल थिक हो रही होती है टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन। सो जो एरिया है वो नैरो हो जाता है एंड एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर। उसके बाद एसिडिक पीएच ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड फैगोसाइट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्योंकि स्पर्म को इनगल्फ करने की वो कोशिश करती है। तो फिजिकल बैरियर हो गया एंडोमेट्रियल वॉल,
और एसिडिक पीएच एंड फेगोसाइटिक फेगोसाइट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ स्पर्म्स. सो जो 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए थे ओनली 100 स्पर्म्स रीचेस टू फैलोपियन ट्यूब. ओनली 100 स्पर्म्स रीचेस टू फैलोपियन ट्यूब. सो we can say large number of sperms are prevented by these barriers. But ये जो approach है sperms की towards ovum is a random process, उसमें कोई chemical phenomena नहीं है. So approach of sperm to ova is not chemotactic. It is random process. कि लार्ज नंबर प्रोड्यूस हो रहा है और इन मूवमेंट्स की वजह से वो वजाइना में मूवमेंट करता है एंड जहां से भी पाथ मिलता है यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है. सो इट्स ए रैंडम प्रोसेस, कोई कीमोटैक्टिक प्रोसेस नहीं, कुछ केमिकल इंट्रैक्शन यहाँ पे अभी तक नहीं होते. उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है, जो दूसरा स्टेप आता है, दैट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. स्टेप टू कैपेसिटेशन. कि जो वजाइना केमिकल सिक्रेट करती है दे आर हेल्पफुल टू रिमूव कोटिंग सब्सटेंसेस अराउंड स्पर्म हेड. उसका फायदा क्या होता है, जो रिसेप्टर साइट्स हैं एक्रोसोम पे दे गेट्स एक्सपोज्ड एंड स्पर्म बिकम्स मोर एक्टिव टू पेनिट्रेट द एग सेल. वजाइनल केमिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रिमूव कोटिंग सब्सटेंसेस जो हेड रीजन है, जो एक्रोसोम है वहां पे बहुत सारे कोटिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं. ओके, सो ये रिमूव कर देंगे इन कोटिंग सब्सटेंसेस को जो हेड रीजन के आसपास है, जिससे क्या हो जाएगा, जो एक्रोसोम है कि उसकी जो रिसेप्टर साइट्स हैं एक्रोसोम की दे गेट्स एक्सपोज्ड. और जब रिसेप्टर साइट एक्सपोज हो जाएगी तो स्पर्म बिकम एक्टिव. और एक्टिव स्पर्म पेनेट्रेट द एग सेल. एक्टिव स्पर्म पेनेट्रेट एग सेल. तो ये कैपेसिटेशन का जो प्रोसेस है टेक्स 5 to 6 आवर्स. कैपेसिटेशन प्रोसेस टेक्स अबाउट 5 to 6 आवर्स. सो पहले स्टेप में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, दूसरे स्टेप में कैपेसिटेशन हो रहा है, जो केमिकल्स हैं उनका रिमूवल हो रहा है फ्रॉम एक्रोसोम बाय सिक्रेशंस ऑफ वजाइना. अब क्या सब्सटेंसेस रिमूव होंगे जिससे कि जो रिसेप्टर साइट है वो, अब मेम्ब्रेन इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसको पेनेट्रेट करके बाहर जाना है और दूसरी तरफ एग सेल की मेम्ब्रेन है उसको पेनेट्रेट करना है.
रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ स्टिरोल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्टिरोल और ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव हो जाएंगे इससे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाएगी और परमीएबल हो जाएगी, तो मेम्ब्रेन बिकम्स वीक एंड परमीएबल। और जैसे ही मेम्ब्रेन वीक होगी कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हो जाएगा, वो कैल्शियम आयंस आते ही जो स्पर्म्स की एक्टिविटी है वो इंक्रीज, स्पर्म एक्टिविटी इंक्रीज, न्यूट्रिएंट का काम करेगा कैल्शियम आयंस। और जैसे ही मेम्ब्रेन वीक हुई जो एक्रोसोम है इजीली सिक्रीट कर देगा स्पर्म लाइसिन को, और वही स्पर्म लाइसिन जाके एग सेल की मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा। तो वजाइनल सिक्रीशन की वजह से जो रिसेप्टर्स है वो एक्सपोज हो गए, स्टीरोल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का रिमूवल हो गया, ड्यू टू दैट रिमूवल मेम्ब्रेन बिकम्स वीक एंड परमेबल, एंड इन वीक मेम्ब्रेन देर इज एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस स्पर्म की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे और एक्रोसोम के लिए इजी हो जाएगा अब टू सिक्रीट और रिलीज स्पर्म लाइसेंस, राइट। अब जो स्पर्म है वो धीरे धीरे कहां पहुंच रहा है, नियर द सरफेस ऑफ एग सेल, तो इसलिए अब एक केमिकल रिकॉग्निशन, अभी तक रैंडम प्रोसेस थी, अब थोड़ा स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेस हो जाती है, रैंडम प्रोसेस हो जाती है, रिकॉग्निशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द एग मेम्ब्रेन, एग सेल मेम्ब्रेन, एंड स्पर्म अप्रोच करके यहां पहुंच गया, राइट। नाउ दे आर स्पेसिफिक साइट्स जहां पे आके ये स्पर्म बाइंड कर सकता है, देर आर स्पेसिफिक साइट्स, स्पर्म रीचेस टू एग सेल मेम्ब्रेन, नाउ रिकॉग्निशन इज रिक्वायर्ड, और रिकॉग्निशन के लिए दो इंपॉर्टेंट, अब हमारे पास स्पर्म का सरफेस है और हमारे पास एक एग सेल का सरफेस है, तो जो स्पर्म सरफेस है इट सीक्रेट इट हैव एंटी फर्टिलाइजिंग, एक एसिडिक प्रोटीन है एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग, इट इज एसिडिक प्रोटीन, एएफजेड भी कहते हैं इसको, एंड एट द सेम टाइम सरफेस ऑफ एग हैव फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजिंग ये ग्लाइकोप्रोटीन है, सो वन एसिडिक प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, सो सरफेस ऑफ स्पर्म कंटेन्स एसिडिक प्रोटीन एंड एग सेल हैव ग्लाइकोप्रोटीन्स, सो एंटी फर्टिलाइज एफ जेड, सो एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग रिएक्शन अकर्स, एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग रिएक्शन अकर्स, एंड इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक,
It is species specific. Fertilizing anti-fertilizing reaction. अब क्या हो गया, नाउ स्पर्म्स गेट्स अटैच टू सरफेस ऑफ द एग सेल मेम्ब्रेन. नाउ स्पर्म्स आर अटैच टू सरफेस ऑफ एग सेल मेम्ब्रेन और ये ग्रुप में अटैच्ड है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एग्लूटिनेशन. इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे, एग्लूटिनेशन. अटैचमेंट ऑफ स्पर्म्स टू मेम्ब्रेन ऑफ एग इन ग्रुप इज नोन एज एग्लूटिनेशन. ओके, सो एग्लूटिनेशन प्रोसेस हो जाती है. नाउ थर्ड स्टेप कि अब फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन की वजह से स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोसेस हो गई है एंड लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स गेट्स अटैच टू द सरफेस ऑफ एग सेल मेम्ब्रेन. नाउ थर्ड स्टेप एक्रोसोमल रिएक्शन. एक्रोसोमल रिएक्शन अब जो कैपेसिटेटेड स्पर्म था जिसकी साइट्स रिसेप्टर साइट्स एक्सपोज होगी इट अंडरगोज एक्रोसोमल रिएक्शन. अब क्या होगा, एक्रोसोम है हमारे पास, एक्रोसोम के सिक्रेशन को हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन. अभी स्पर्म लाइसिन क्या करेगा, तीन चीजें, एक एक केमिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हाइड्रोयूरिनेटेज, और तीन केमिकल सेक्रेट करेगा ये स्पर्म लाइसिन. सबसे पहले ये एक्रोसिन सेक्रेट करेगा, तो जो आउटर लेयर थी जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन थी जोना पैलेसोडा, सो एक्रोसिन डाइजेस्ट जोना पैलेसोडा, उसने जोना पैलेसोडा को डाइजेस्ट कर दिया. देन इट सेक्रेट्स कोरोना पर पेनेट्रेटिंग एंजाइम. कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम नाम से पता चल रहा है क्या कर देगा ये, डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा. तो दोनों लेयर जोना पैलेसोडा और कोरोना रेडिएटा डिसॉल्व हो गई, दोनों डाइजेस्ट हो गई. नाउ थर्ड केमिकल हाइलो यूरिनेडेज इट एक्ट्स ऑन ग्राम सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल सेल. एक्ट्स ऑन ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल सेल. तो तीनों केमिकल मेम्ब्रेन्स को रप्चर कर देंगे सो दैट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स बिकम्स इजी. बट ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, दे आर स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन. कंडीशंस फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन, ऑप्टिमम पीएच, क्योंकि जो वजाइनल सेक्रेशन है दे आर एसिडिक, जो बाहर है स्पर्म लाइसेंस ये स्पर्म है बेसिक बेसिक है नेचर में. ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हमने देखा था, वो न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं, जो एक्टिविटी है स्पर्म की वो बढ़ा देते हैं. सो दिस फोर फैक्टर्स ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन. तीन केमिकल हैं स्पर्म लाइसिन में, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एक्रोसिन जो कोरोना रेडिएटा और जेनो पैलेसोडा को डिसोल्व कर देते हैं, हाइलोनिडेस ग्राउंड सब्सटेंस पे एक्ट करेगा सो दैट इट हेल्प्स इन एंट्री ऑफ व्हाट यू से स्पर्म्स. ओके,
अब दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि अंदर एंट्री हो गई। क्या हुआ, ये सारी मेम्ब्रेन्स ये डिजोल्व हो गई। यहाँ पे ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट जिसको हम कहते हैं, एक्सेल के अंदर, और स्पर्म की एंट्री यहाँ हो गई। नाउ स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऊसाइट की वजह से के साथ। इसकी वजह से क्या होगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगा, जो ऊसाइट की मेम्ब्रेन है उसका डिपोलराइजेशन हो जाएगा, विच प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म, इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्यों प्रिवेंट होगी, वो होगी ड्यू टू कोर्टिकल रिएक्शन, ड्यू टू कोर्टिकल रिएक्शन, कोर्टिकल रिएक्शन। क्या है कि जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे, अगर आपको डायग्राम याद हो, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स वर प्रेजेंट इन द एक्सेल साइटोप्लाज्म, जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। सो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है दे आर प्रेजेंट बिलो द मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, वो फ्यूज कर जाएंगे विद मेम्ब्रेन ऑफ ओसाइट एंड रिलीज कोर्टिकल एंजाइम। कोर्टिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं यहां पे प्रेजेंट हैं, दीज आर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। सो दीज कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बिलो द मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट रिलीज कोर्टिकल एंजाइम, कोर्टिकल एंजाइम को रिलीज कर देते हैं। किसके बीच में, दो लेयर्स के बीच में, बिटवीन जोना पैलेसोडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स आ गए। सो जोना पैलेसोडा बिकम्स हार्ड, इट बिकम्स हार्ड, और जब ये हार्ड हो जाएगा सो नो मोर स्पर्म कैन एंटर, नो मोर स्पर्म्स कैन एंटर इनसाइड। सो पॉलीस्पर्मी को भी प्रिवेंट कर देगा। कैसे, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको एक बार, कि कोर्टिकल रिएक्शन में जो दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फ्यूज करती हैं तो डिपोलराइजेशन हो गया, और जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं एग के साइटोप्लाज्म में, दे सिक्रीट्स कोर्टिकल एंजाइम्स। कोर्टिकल एंजाइम्स की सिक्रीशन से जो जोना पैलेसोटा की लेयर है वो हार्ड हो जाएगी और एक से ज्यादा स्पर्म एंटर नहीं कर पाए, सो इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। अब यहां पे इसको हम दिखाते हैं कि विटिलिन मेम्ब्रेन होती है जो खुद एक्सेल सिक्रेट करती है, और उसके बाद क्या है, ऊप्लाज्म है, विटिलिन मेम्ब्रेन है और ऊप्लाज्म है। नाउ दिस कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं, दिस कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स गेट्स डिपॉजिटेड है, उसकी वजह से ये एरिया हार्ड हो जाता है। सो नाउ स्पर्म्स कैन नॉट एंटर, स्पर्म्स की एंट्री
नहीं हो पाती है यहाँ पे, सो इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। नाउ स्पर्म एंट्री कैसे होगी, फोर्थ स्टेप इज स्पर्म एंट्री। ये न्यूक्लियस है एग सेल का और ये स्पर्म है, स्पर्म न्यूक्लियस। अब जहां पे इन दोनों का कांटेक्ट होता है, स्पर्म एंड सेकेंडरी ओसाइट, तो एक प्रोजेक्शन बन जाती है, इसको कहते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन, कोन ऑफ रिसेप्शन। कहां पे बना है, एट द जंक्शन ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म विद सेकेंडरी ओसाइट, और उसको हमने क्या कह दिया, कोन ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, और इस रिसेप्शन कोन की हेल्प से ये अंदर एंटर कर जाता है, एंट्री चीज टू द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल। सो न्यूक्लियस जो है स्पर्म का, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म चेंजेस इनटू मेल प्रो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म चेंजेस इनटू मेल प्रो न्यूक्लियस। अब दो सेंट्रियोल थे, प्रोक्सीमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल डिवाइड कर जाएगा एंड हेल्प इन माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। और जो माइटोटिक स्पिंडल है वो हेल्प करेगा सेल डिवीजन में, माइटोटिक स्पिंडल विल हेल्प इन सेल डिवीजन। By this time, meiosis 2 is completed. Meiosis 2 is completed and metabolic activation of sperm occurs. Metabolic activation of sperm occurs. Metabolic activation of sperm occurs. उसके बाद जो लास्ट स्टेप हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। मैंने शुरू में बताया था आपको एम्फीमिक्सिस, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम या इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। सो मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म्स अ डिप्लॉइड जायगोट, वो डिप्लॉइड जायगोट बनाएगा। कैसे, ये है, अब एक तरफ फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, एक तरफ मेल प्रो न्यूक्लियस है, मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। इसके जस्ट नीचे, मेल प्रो न्यूक्लियस के जस्ट नीचे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट है स्पर्म का, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ये आउटर कवरिंग हो गई, जोना पेलुसिडा की लेयर हो गई, दिस इज जोना पेलुसिडा, राइट। नाउ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस प्रो न्यूक्लियाई मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसकी वजह से जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो स्पिंडल फॉर्मेशन कर देगा, तो एक इधर आ गया एक इधर आ गया, डिप्लोइड है मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस एंड स्पिंडल फॉर्मेशन अकर्ड। अभी मैंने आपको बताया था स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है, डिस्टल सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन कर देगा, स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई,
एक तरफ मैटरनल क्रोमोसोम है, एक तरफ पेरेंटल क्रोमोसोम है। नाउ दिस मैटरनल एंड पेरेंटल क्रोमोसोम्स दे गेट्स अरेंज्ड। जायगोट। सो एम्फीमिक्सिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। सो दीज आर द स्टेप्स विच एंश्योर्स एंट्री ऑफ स्पर्म एंड मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम्स अकर्स। इन नेक्स्ट लेसन, इन नेक्स्ट चैप्टर वील डिस्कस क्लीवेज। So just go through these steps, and if still you find any problem, you can discuss in doubt session.